नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चौबलक पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 के एडमिट कार्ड के बारे में। जी दोस्तों, अगर आपका एग्जाम 6 या 7 नवंबर को है तो आपका एडमिट कार्ड इसकी ऑफिशियल साइट द्वारा जारी कर दिया गया है। आप अपना एडमिट कार्ड मात्र 1 मिनट में किस प्रकार से अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं और उसी के साथ यदि आप अपना SSO ID या फिर उसका पासवर्ड भूल चुके हैं तो किस प्रकार से उसको रिकवर कर सकते हैं मात्र 2 मिनट में, इस बारे में बात करेंगे आज के स्टूडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जिनका भी एग्जाम 8 नवंबर को है उनका एडमिट कार्ड अभी तक इसकी ऑफिशियल साइट द्वारा जारी नहीं किया गया है, उनका एडमिट कार्ड कल दोपहर 3 बजे को जारी होगा। फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। देन इसके बाद आपको इसके गूगल के सर्च बॉक्स में टाइप करना है SSO और इसको ब्राउज कर लेना है। जैसे ही आप SSO टाइप करते हैं, इसको ब्राउज करते हैं, आपके सामने गूगल द्वारा एक लिंक दिया जाता है जो कि है फ्रेंड्स SSO.rajasthan.gov.in। सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, आप पहुंच जाते हैं SSO की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब फ्रेंड्स, ये कार्य यदि आप PC से कर रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए, यदि मोबाइल से कर रहे हैं तो आप पहले इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड कर लीजिए, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। अब फ्रेंड्स, आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने SSO में लॉगिन करना होगा। उसके लिए आपको अपना यूजर नेम यहाँ पर टाइप करना होगा, उसके बाद आप अपना पासवर्ड यहाँ पर टाइप करेंगे, उसके बाद ये जो कैप्चर दे रखा है उसको यहाँ पर फिलअप करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कई सारे फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जो अपना यहाँ पर यूजर नेम या फिर पासवर्ड भूल चुके होंगे, तो अगर आप अपना यूजर नेम भूल चुके हैं तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक हियर पर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी SSO ID को रिकवर करने के लिए एक SMS सेंड करना होगा। अब SMS किस प्रकार से सेंड करना होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको SMS सेंड करते समय आपका जो आपके SSO ID पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उसी मोबाइल से आप ये मैसेज टाइप करेंगे। आपको फ्रेंड्स इस नंबर पर मैसेज करना है 9223166166। मैं नंबर फिर से आपको यहाँ पर रिपीट कर दूँ, आपको फ्रेंड्स इस नंबर पर मैसेज करना है 9223166166। इस नंबर पर आपको मैसेज सेंड करना है। मैसेज क्या सेंड करना है वो मैं आपको बता दूं, आपको सेंड करना है RJSSO। क्या सेंड करना है? RJSSO। इस मैसेज को आपको यहां पर सेंड करना है RJSSO और यहां पर सेंड के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपकी जो SSO ID है वो आपको सेंड कर दी जाएगी। अब यदि फ्रेंड्स कोई फॉरगॉट पासवर्ड कर चुका है, यानी यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आप इसके नीचे वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और फ्रेंड्स आपको इसी नंबर पर एक मैसेज लिखना होगा। इस बार आपको केवल RJSSO नहीं लिखना है, इसके बाद आपको स्पेस छोड़ते हुए पासवर्ड भी लिखना है। ये मैसेज आपको यहाँ पर टाइप करना होगा RJSSO पासवर्ड और इस मैसेज को आपको सेंड करना होगा इस नंबर पर जो कि है फ्रेंड्स आपकी 9223166166। नंबर फिर से आप चेक कर लीजिएगा, गलत नंबर पर मैसेज मत कीजिएगा। जैसे आप यहां पर मैसेज सेंड करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, दूसरा तरीका ये है कि आप अपने ईमेल एड्रेस से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस को सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस को सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको अपना संबंधित ईमेल एड्रेस या तो आप फ्रेंड्स इस नंबर पे ये मैसेज टाइप करके सेंड कीजिए, या फिर आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके बाद ये जो कैप्चर दे रखा है ये यहाँ पे फिलअप करेंगे और उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। इतना करते ही फ्रेंड्स आपके ईमेल एड्रेस पर आपका जो यूज़र ID और पासवर्ड दोनों भेज दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, यदि आपके पास ईमेल एड्रेस भी नहीं है तो आप अपने आधार ID से भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना आधार ID यहां पर टाइप करेंगे और उसके बाद ये वाला जो कैप्चर है यहां पर फिलअप करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। आपके आधार से जो भी मोबाइल अटैच है उस मोबाइल पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किस प्रकार से करना है। तो सिंपली जब आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाता है, आपको यहाँ पर यूज़र नेम, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड और ये कैप्चर यहाँ पर फिलअप करने के बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है।
इतना करते ही फ्रेंड्स आपके सामने आपकी SSO प्रोफाइल ओपन हो जाती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेक्शन देखने को मिलता है रिक्वायरमेंट स्टेप टू का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको तीन तरह के सेक्शन देखने को मिलते हैं, माई एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन और ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट का। आपको इनमें से किसी पर भी क्लिक नहीं करना है। ऊपर की और माई रिक्वायरमेंट के बगल में आपको गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना करते ही फ्रेंड्स एक नया इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल 2019 और इसका जो एडमिट कार्ड का लिंक है वो आपको एक्शन बटन के नीचे सामने देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इस गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही फ्रेंड्स आपका एडमिट कार्ड आपके सामने यहाँ शो हो जाता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि आप इस एडमिट कार्ड को अपने मोबाइल में PDF के रूप में भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको पुनः PDF पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करते ये PDF आपके जो ड्राइव है उसमें सेव होने के लिए चली जाएगी। इसको आपको यहाँ पर रिज्यूम कर देना है। अब फ्रेंड्स आपको पुनः उस ड्राइव को ओपन करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपका एडमिट कार्ड आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये एडमिट कार्ड आपके मोबाइल में PDF के रूप में आपके फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सिंपली आप इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से अपने मोबाइल में अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स अन्य कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, यहाँ तो रिप्लाई के माध्यम से फिर वीडियो के माध्यम से आपकी इस दिक्कत को दूर किया जाएगा। और उसी के साथ फ्रेंड्स राजस्थान पुलिस एग्जाम के प्रत्येक पारी के पेपर के जस्ट 1 घंटे बाद उसका पेपर हल सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक एम केवल 100 लाइक है तो प्लीज़ इसको पूरा करने में चैनल का सपोर्ट कीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।